हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इज़ दिव्या हेयर। और आज मैं ये इजी सा सिंपल पिंक पर्पल लुक करने वाली हूँ सूट के साथ। होप यू लाइक दिस लुक। तो सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक का, और जहाँ जहाँ मेरे फेस में पोर्स रहते हैं, नोज में, लिटिल फोरहेड में, वहाँ वहाँ अच्छे से रब कर लेंगे ताकि जो भी हमारे पोर्स हैं वो फिल हो जाए। उसके बाद मैंने लॉरियल पैरिस का फाउंडेशन लिया है, और उस फाउंडेशन को मैंने फिंगर की हेल्प से डैब करते हुए लगा के उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। ये ब्यूटी ब्लेंडर इनसाइड कॉस्मेटिक का है। ये बहुत सॉफ्ट और इजीली आपके कोई भी फाउंडेशन या क्रीम प्रोडक्ट को आराम से ब्लेंड कर देगा। फिर उसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर लिया है, उसे अपनी आईज़ में और डार्क सर्कल में और जो भी डार्क स्पॉट या फिर आपको जो भी फेस में हाईलाइट करना है वहाँ लगा लिया है। अब ब्यूटी ब्लेंडर की साफ साइड की हेल्प से मैंने जो भी कंसीलर लगाया था उसे अच्छे से डैब करते हुए ब्लेंड कर दिया है। अब देख सकती है कंसीलर कितना अच्छा और इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का है, शेड सन बेज। और उसे फिर मैंने अपने फोरहेड में डैब करते हुए और आइज़ में भी ब्लेंड कर लिया है ताकि जो भी हम आई शेडो लगाए वो अच्छे से उसका कलर दिखे। उसके बाद मैंने एक राउंड ब्रश लिया है और एक न्यूड कलर लेके अपने आईलिड में लगाया है ताकि वो एक बेस बन जाए हमारे आई शेडो का। उसके बाद मैंने पिंकिश पर्पल लिया है अपने आई शेडो पैलेट में से और उसे अपनी आईज़ के कॉर्नर में डैब किया है एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। धीरे धीरे करके आप कलर डिपॉजिट करिए। यही मैंने अपनी दूसरी आँख में भी कर लिया है। उसके बाद मैंने लाइट पिंक लिया है और उसके थोड़े आगे उस कलर को डैब किया है फ्लफी ब्रश की हेल्प से, और धीरे धीरे करते हुए दोनों कलर को ब्लेंड कर दिया है फ्लफी ब्रश के साथ। ध्यान रखिएगा आपको ये पूरा कलर मिक्स नहीं करना है। उसके बाद मैंने एक वाइटिश सिल्वर कलर लेके अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज में लगाया है जहाँ हमने स्पेस छोड़ा था। मैंने ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगाया है। उसके बाद फ्लफी ब्रश के साथ मैंने तीनों शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ताकि हमारा आई शेडो लुक और अच्छा दिखे। इसके बाद मैंने कोलासिल का लाइनर लिया है, अपनी आई में विंग लाइनर लगाया है। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो विंग लाइनर नहीं भी लगा सकते हैं। फिर मैंने अपनी दूसरी आँख में भी विंग लाइनर लगा लिया है। के बाद मैंने NYB का कॉन्टोरिंग स्टिक लिया है और सबसे पहले अपने नोज़ कॉन्टोर किया है, उसके बाद चीक बोन्स, उसके बाद लोअर चीक बोन्स, उसके बाद फोरहेड। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उस कॉन्टोर को धीरे धीरे डैब करते हुए ब्लेंड कर दिया है। जो जॉ बोन वाला कॉन्टोर है उसे हमें नीचे लोअर साइड ब्लेंड करना है ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैट हो वो हाइड हो जाए। और उसके बाद फोरहेड वाला हमें अपने हेयर लाइन की तरफ ब्लेंड करना है। फिर हम धीरे धीरे करके इसे ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम अपना नोज़ कॉन्टोर को भी ब्लेंड करेंगे ताकि हमारी नोज़ स्लीक और पतली दिखे। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का हनी ब्राउन शेड में आईब्रो पेंसिल लिया है, उसे सबसे पहले अपने आईब्रो में फिल किया है। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है उसे फिल कर दीजिए। इसका टेक्सचर थोड़ा वैक्सी है तो इससे आपके हेयर जो आईब्रो के हैं वो भी सेट हो जाएंगे। उसके बाद स्पूली की हेल्प से कॉम करते हुए अपने आईब्रो को सेट कर लीजिए। यही मैंने अपने दोनों आईब्रो के साथ कर लिया है। उसके बाद मैंने लैक्मे का फेस पाउडर को अपने ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए अपने फेस को सेट किया है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा फ्लॉलेस मैट लुक दे रहा है ये मेकअप। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अपने नेक को भी सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने शुगर की लिपस्टिक ली है मोव शेड में और उसे अपने लिप्स में लगा लिया। ये लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ है। उसके बाद मैंने वाइट काजल लिया है और अपनी वाटर लाइन में लगा लिया है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप ब्लैक भी लगा सकते हैं। वाइट लगाने से आपकी आईज ओपन और बड़ी दिखती हैं। उसके बाद मैंने लैक्मे का मस्कारा लेके अपने लोअर लैश में लगाया है धीरे धीरे करते हुए। उसके बाद अपर लैश में भी
एक से दो कोट लगाया ताकि हमारे लैश अच्छे दिखे। उसके बाद फ्लैट ब्रश लेके मैंने पिंक आई शेडो को अपनी लोअर वाटर लाइन में लगाया है जैसे हमने अपर लगाया था, और सिल्वर को इनर कॉर्नर्स में लगाया है। उसके बाद शुगर का कॉन्टोर पैलेट लेके अपने फेस को मैंने सबसे पहले पाउडर कॉन्टोर किया है। जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कॉन्टोर किया था वहाँ वहाँ पाउडर कॉन्टोर करेंगे। उसके बाद मैंने ब्लश को लेके अपने फेस को थोड़ा पिंकिश ग्लो दिया है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद हाइलाइटर से अपने फेस को हाईलाइट किया है, नोज़ की ब्रिज में, अपर लिप्स में और चिन में। उसके बाद मैंने बिंदी के साथ ये लुक पूरा किया। होप यू लाइक दिस लुक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।